गाइज, विंडोज पीसी और लैपटॉप में तुम्हें एक कॉमन प्रॉब्लम आती होगी, जब भी तुम अपने क्रोम ब्राउजर में या एज ब्राउजर में तुम किसी भी तरह का जो है ब्राउजिंग करते हो, या तो यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो, तो स्क्रीन फ्लिकरिंग वाली एक प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। तो स्क्रीन यहाँ पे अटकती भी है, फ्लिकर भी करती है, लैग भी करती है। अब इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है। 3 से 4 स्टेप में तुम्हें इन्हें अप्लाई करना है, उसके बाद ये फ्लिकरिंग वाली प्रॉब्लम या क्रोम को यूज़ करते वक्त जब भी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर तुम्हारी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना जो भी तुम ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम या एज, उसे ओपन करना है। राइट में 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। क्रोम में तुम्हें लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में सिस्टम वाला ऑप्शन मिलेगा, और एज में सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्लिक करो सिस्टम वाले पे, और उसके बाद राइट साइड में आपको मिलेगा कंटिन्यू रनिंग क्रोम या एज इन द बैकग्राउंड, ये वाले ऑप्शन को तुम्हें यहाँ पे डिसेबल करना है, और हार्डवेयर एक्सेलरेशन वाला भी ऑप्शन मिलेगा, इसे भी यहाँ पे तुम्हें इसको डिसेबल कर देना है। तो दोनों ही ब्राउज़र में इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे डिसेबल करो। उसके बाद न्यू टैब में तुम्हें ओपन करना है, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो न्यू टैब में टाइप करो chrome:// flags, अगर एज यूज़ कर रहे हो तो edge:// flags, एंटर करो, और यहाँ पे सर्च में टाइप करो choose एंगल करके एक ऑप्शन आएगा, इसको तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और ओपन GL वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये दोनों में तुम्हें मिल जाएगा, एज में भी और क्रोम में भी। यहाँ से इसको इनेबल करो, उसके बाद लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओ, और यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो तुम्हारा ब्राउजिंग डेटा है, इसको भी तुम्हें यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे नया बॉक्स ओपन होगा क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री वाले में, और यहाँ पे टॉप पे एडवांस्ड ऑप्शन में जाओ, टाइम रेंज ऑल टाइम पे सेट करो, और यहाँ पे ऑटो फिल फॉर्म डेटा और पासवर्ड वाले को अनचेक करो, बाकी सारे ऑप्शन को यहाँ से चेक कर दो। इतना करने के बाद यहाँ से इसको जो है डिलीट करो, सारा डिलीट होने दो, और उसके बाद फाइनली अपने ब्राउज़र से जो भी अनवांटेड एक्सटेंशन है उन्हें भी तुम्हें यहाँ पे डिसेबल करना है और रिमूव करना है। तो उसके लिए अपने ब्राउज़र के 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्सटेंशन में जाओ, और यहाँ पे जो भी अनवांटेड एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं उन्हें यहाँ से तुम्हें डिलीट कर देना है। अब फाइनली तुम्हें कुछ अपने विंडोज़ से भी जो है सेटिंग में चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए अपने विंडोज़ सर्च में टाइप करो ग्राफिक सेटिंग ओपन होगा, और यहाँ पे सारे एप्लीकेशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब तुम्हें अपने ब्राउज़र को यहाँ हाई परफॉर्मेंस पे सेट करना है, तो अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो क्रोम सर्च करो अपने विंडोज सर्च में, राइट क्लिक करो क्रोम आइकन पे, ओपन फाइल लोकेशन चूज़ करो, दोबारा से क्रोम मिलेगा क्रोम का आइकन, इस पर राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन चूज़ करो, और यहाँ से इसका पाथ टॉप से जो है कॉपी कर लो, सेम तुम्हें एज के साथ भी करना है। और कॉपी करने के बाद दोबारा से ग्राफिक सेटिंग में आओ, ब्राउज पे क्लिक करो, और यहाँ पे टॉप पे तुम्हें सेम पाथ जो तुमने कॉपी किया था पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करो, क्रोम आइकन को सिलेक्ट करो और ऐड करा दो। ऐड होते ही ऑप्शंस पे क्लिक करो और हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लो। अब फाइनली इसे यहाँ से क्लोज करो और तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म। अपने सिस्टम को अब रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद इस तरह की जो भी प्रॉब्लम थी स्क्रीन फ्लिकरिंग वाली तुम्हारे क्रोम में एज में, वो यहाँ पे तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो दैट्स ऑल गाइज, होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगी, और वीडियो से तुम्हारा काम बना हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।